हाँ सर, हाँ नहीं होगा सर, लेकिन जॉब पूछना है गुवाहाटी में जाके पूछो बोला, यह सब बात हम लोग सिर्फ काम करना चाहते हैं। उसको एड्रेस मालूम नहीं, ये तो हम मालूम नहीं है सर, जो बोला जो पूछताछ करना है गुवाहाटी में जाके पूछताछ करो। वी केम हियर एट सीबीआई ऑफिस चिंपू and when we reached here, the CBI, this officer, they are not welcoming in nature. They are totally denying us to entertain our appeal and request to for peer investigation. तो हम लोगों ने आज आया CBI ऑफिस में, यहाँ चिंपू में, जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो पेपर स्कैंडल का केस को लेके हम लोग बींग एग्री पेरेंट्स यहाँ में जो CBI को क्या क्या जो इनपुट देने के लिए आया और सजेशन देने के लिए आया, लेकिन CBI वालों ने हमें वही बोला कि आप लोग क्यों आता है हम लोग का पास, और उन्होंने बोला कि इन्वेस्टिगेशन का ऊपर में हम लोग को क्यों इंटरफेरेंस करता है। तो जब कंप्लेनेंट का साइड से जब फीडबैक नहीं लेगा तो पेयर इन्वेस्टिगेशन और जस्टिस कैसा दिलाएगा हुई है। और अभी देखा जाए तो आप सीबीआई का ऊपर में हम लोग एक्सपेक्टेशन जो ख़त्म हो गया, क्योंकि अब देखिए सीबीआई जब से केस टेक ओवर किया है तो आज तक अरेस्ट नहीं हुआ है किसी का ऊपर भी अरेस्ट नहीं हुआ है, सब देख रहा है और अरुणाचल का सारा जनता देख रहा है अभी, और एस्पेरेंट लोग तो अभी डिमोरलाइज हो गया। अभी सीबीआई जब केस टेक ओवर किया, SIC वॉज फार बेटर इन द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन दिस स्पेशली इन दिस केस। तो SIC को ही देने से कंटिन्यूटी करने से ही जस्टिस मेरा ख्याल से जैसा भी करके मिलना था होगा। अभी CBI ना अरेस्ट हुआ है किसी का ऊपर, ना लड़का लोगों को छात्र लोगों को इंटरटेन कर रहा है इनका ऑफिस में, ना पेरेंट्स लोगों को इंटरटेन कर रहा है। और CBI ने अरुणाचल में आके अभी तक ये पर्टिकुलर केस में अभी देखा जाए तो जो चार्जशीट फाइल किया, ये चार्जशीट को भी देखिए, उसमें भी मैं उस दिन भी बोला, उसमें भी जो उन्होंने क्या किया कि जो विटनेसेस बनाया 40 से ऊपर विटनेसेस बनाया, और इस विटनेस में भी उनका जो कमीशन मेंबर लोग को ही विटनेस बनाया, तो कैसा अभी उसका कोर्ट में भी अभी कैसा अभी प्रूव करेगा, अभी कैसा कन्विक्ट करेगा। दैट मीन्स इंटायर मशीनरी हैज़ बीन मिसयूज्ड एंड इन इट फ्रॉम द प्रीमा पेशी ऑफ द चार्जशीट फाइल बाय द CBI इट सीम्स दैट there will be no any conviction, because commission member they met as a witnesses. Definitely वो बचाने के लिए, एक दूसरे को बचाने के लिए तो कोर्ट तक वो गवाह जूता गवाह देगा ना, इसलिए उसको मैं नहीं मानता हूँ। आई बिंग पेरेंट्स एल्डर्स ऑफ द एग्री पर्सन दोज एस्पेरेंट मेम्बरशिप अपॉइंटमेंट में भी लेट करा दिया, अभी करते करते अभी एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इन लोग जा रहे हैं, वो तो हमको सही नहीं लगा, क्योंकि आप शुरू से गड़बड़ होके जब मशीनरी को मिसयूज करके किसी को ऑफिसर अपॉइंट किया गया, इलीगल अपॉइंट किया गया, अभी उस ऑफिसर को ऊपर में उसको चलने देगा, ऑफिस में बैठने देगा, इलीगल मीन्स में आया तो इलीगल मीन्स ही काम करेगा ना, उसी को ध्यान देना है। इसलिए मैं वही अपील करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को, जो 10 तारीख को जो एस्पेरेंट का साथ पैन अरुणाचल का साथ जो डिस्कस करने जा रहा है, उसमें लॉजिकल कंक्लूजन सोल्यूशन लाना है, कितना इसको 6-7-8 महीना हो गया अभी इसके लिए, कितना अभी स्टेट अभी पूरा ये हो गया, स्टेट इंटायर स्टेट जो पूरा ट्रोमेटाइज हो गया, अभी स्टेट का तो बदनाम हो ही गया ना, अभी सारा भारत जान गया, इंटरनेशनली इसको जान गया कि अरुणाचल में पेपर बिक्री हुआ है बोल के, उसे तो बार बार मैंने पहले भी बोला। इसलिए गवर्नमेंट 10 तारीख को जो मीटिंग बैठने जा रहा है पैन अरुणाचल जो मेंबर का साथ करने जा रहा है, विथ एजेंसी का साथ करने जा रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन उसमें आउटकम होना है, और केस को भी CBI अगर टिक तक नहीं तो SIC को वापस कर दीजिए, SIC को लेट SIC टेक अप द केस अगेन कोर्ट में, SIC को ही कोर्ट में रिप्रेजेंट करने दीजिए। CBI का तो अरुणाचल में देखा जाए तो कोई आउटकम होता है भी नहीं, PDS में देखो, और हमारा कितने जो नेता लोग का साथ भी PIL दिया, आउटकम कुछ होता ही नहीं ना CBI का, तो
सीबीआई खुद केस विद्रॉ करता है, मैंने खुद उसमें पीछे कोर्ट में देखा है, यूपीआर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा है। लास्ट टाइम तो एक अशुद्धनत से हमारा एक ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का सेकेंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में एक पीआईएल केस था, पीआईएल के उसको भी सीबीआई ने खुद विद्रॉ किया, मैं खुद देखा, जज ने उसको सीबीआई को डांटा है वाई यू आर विद्रॉइंग अ केस पीआईएल, तो जज सीबीआई तो जवाब देने का जगह ही नहीं। बात में करते करते सीबीआई को फिर कोर्ट ने टाइम दिया कि इसलिए तुम विद्रॉ करा, सही जवाब दो, दो महीना टाइम दिया। बात में करके करके फिर सीबीआई ने फिर विद्रॉ करने दो बोल के प्रेस किया, लास्ट में कोर्ट भी मजबूर होकर उसको अलाउ कर दिया। ऐसा होता है सीबीआई को अरुणाचल में, आज तक किसी को कन्विक किया सीबीआई? नो, एक भी कन्विक किया दिखाओ तो, कुछ होता नहीं यहाँ में। इसलिए सीबीआई का रिपोर्ट नेम से यहाँ सीबीआई का नाम से यहाँ में केस को टेकअप करने से वो मेरा ख्याल से आई डोंट फाइंड देयर इज एनी देयर विल सो एनी लॉजिकल कंक्लूजन और देयर विल बी यू नो कन्विक्शन टू द दोज एक्यूज पर्सन हु हैज यू नो कमिटेड हाइनस क्राइम अगेंस्ट द पीपल ऑफ दिस स्टेट। केस अपडेट होने से एक बात है ना, सीबीआई किस केस कर रहा है ना नहीं कर रहा है, वेदर देयर इज अवेकनिंग और सो रहा है ना जग रहा है, उसका तो आप देख रहे हैं, सब लोग जानता है सीबीआई क्या काम कर रहा है। सब एसआईसी जब केस टेकअप करा था उसमें तो ये हर 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 सप्ताह में अपडेट देता था। सरकार एक ये एरोप्लेन के समान होता है, वो जो अभी मुख्यमंत्री होता है एक पायलट का समान होता है, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है एक वहाँ का जो क्रू मेंबर जैसा होता है, वो पायलट तो रिटायर हो जाएगा, वो जितना क्रू मेंबर रहता है, लेकिन प्लेन तो एरोप्लेन तो रहेगा ना, एरोप्लेन हो गया हम लोग स्टेट लोग, हम लोग सब एरोप्लेन है, इसलिए सही से काम करना है। आप अगर गलत दंग करेगा तो प्लेन तो एक्सीडेंट होगा ही, एरोप्लेन एक्सीडेंट होगा, क्योंकि इंटायर एरोप्लेन को तो आप बुक के जा रहा है ना अभी, इसलिए जो पैसेंजर जितना बैठता है बैठने वाला हम लोग है, जनता लोग है ना, तो आने वाला काल के लिए सोचने से ये केस को तो एक लैंडमार्क जजमेंट लैंडमार्क एक एग्जाम्पल एक सेट करके जाना है सरकार भी। तो सीबीआई जब लूज हो जाएगा, सीबीआई जब काम करना बंद करेगा, किसी को अरेस्ट नहीं करेगा, उसका बाद केस फर्दर एक्सिट आगे नहीं बढ़ेगा, तब तो गवर्नमेंट को तो बदनाम होगा ना, जनता तो गवर्नमेंट का ऊपर सवाल करेगा कि अभी गवर्नमेंट ही इसको कंट्रोल करके, नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट, इट विल बी यू नो ब्लेम गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो, क्योंकि एजेंसी सीबीआई दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे यहाँ बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीजेपी है, तो जनता जनता अभी चाहे सही जो आउटकम चाहिए उसका, इस केस का देखो हर केस का एक आउटकम होता है, सही इन्वेस्टिगेशन चलना है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होना है, लेकिन अभी तो यहाँ देखा जाए तो ना अरेस्ट हुआ है, ये सीबीआई का जो पीछे में भी कोई आदमी है कि केस को ये सबोटेज करने के लिए, केस को उसमें प्यारली इन्वेस्टिगेट नहीं करने के लिए, केस को मैंने हिंड्रेंस देने के लिए कोर्ट तक खेलने के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ेगा ही नहीं। हम तो हम जब पहले बोल चुका है जब तक हम लोग है हम लोग साथ देगा, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन होना चाहिए, जब तक लॉजिकल कंक्लूजन नहीं होगा हम लोग छोड़ने वाला नहीं। सीबीआई को बोलते हैं सीबीआई चार्जशीट क्यों फाइल नहीं किया, टाइमली फाइल करने से तो यूटीपी करना था इसको, यूटीपी करके जितना एक्यूज को वहाँ में जुडिशियल रिमांड बैठने देके उसको ट्रायल चल के कन्वी करके वही डायरेक्ट सजा काटने देना था, तो अभी जानबूझ के ये हमको लगा कि इन चार्जशीट फाइल नहीं किया है, चर्चित पायल नहीं करके मैंडेटरी फिर पार होने देके उसको जेल से छुटकारा देना है, वही प्लान हमको ऐसा लगे एजेंसी को, ये हम तो यही बोलेगा, क्योंकि यहाँ अरुणाचल में छोटा सा पॉपुलेशन है, छोटा सा राज्य है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए समय नहीं चाहिए ना, सप्ताह भर में डायरेक्ट केस को ये चर्चित पायल कर देना चाहिए, पूरा 3-4 महीना पूरा समय गवा दिया अभी, तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराए, व्हाट इज दिस? उसमें जो इस केस में जो एसआईसी वाज द पावर बेटर, सकने से एसआईसी को वापस करने से देगा गवर्नमेंट, जो 6 तारीख 10 तारीख को जो आप लोग जो ये कमेटी लोग पान और नेचुरल कमेटी लोग गवर्नमेंट का साथ डिस्कस करने जा रहा है उसी को भी रखना है अभी, और इसका बाद पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड एक यूपीआई में खोलना है फॉर दिस केस, और इसका बाद ये एसआईसी को वापस कर दो या ईडी को इन्वाइट करो, ईडी करके ईडी लाने से देगा इस केस में, क्योंकि अभी देखो जितना इलीगल प्रॉपर्टी बना के रखा है वो ऑफिसर लोग इलीगल मीन से अपॉन करके पेपर को खरीद के उसका बाद ऑफिसर बन के पेपर पैसा हाके बैठा, जितना प्रॉपर्टी जो इमोबल प्रॉपर्टी जितना को उसको अभी ईडी थ्रो से उसको ये अटैच करना है, अटैच करके वो पैसा को गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कर देना है, मैं तो वही बोलेगा।